हाय फ्रेंड्स, शुरू करते हैं वेद प्रकाश शर्मा द्वारा लिखा गया उपन्यास पाक साहब का पार्ट टू। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। यही कहा था, एक बार नहीं हजारों बार, रोज़ यही कहता था वह, यही कि जिस मुल्क के लिए वह जान कुर्बान करने का जज्बा रखता था, उसी की आर्मी ने यह सब किया। यही तो आग थी उसके सीने में, उसी आग में तो जले हैं जिम कॉर्बेट और माइकल आर्मस्ट्रांग, अभी तो और जलेंगे। वह आर्मी के उन लोगों को अच्छी तरह पहचानता है जिन लोगों ने उसके माता पिता की हत्या की, बहन के साथ रेप किया। देख लेना तुम, वह एक को भी नहीं छोड़ेगा, जो जहां है उसे वहीं जाकर भून डालेगा। विजय को अपना दिमाग बहुत तेज़ी से बनाता हुआ महसूस हो रहा था। एक नज़र पर गुलफाम पर डाली और फिर अभी तक भबक रहे राम प्रकाश से कहा, क्या तुम्हारे पास उसका कोई फोटो भी है? हाँ, फोटो भी है, ये रहा। कहने के साथ वह दीवार में बनी एक ऐसी अलमारी की तरफ लपका जिसके अभी पन्ने भी नहीं चढ़े थे। वहाँ फ्रेम में जड़े कई फोटो रखे थे। एक पोस्टकार्ड साइज का फ्रेम उठाकर वापस आता हुआ बोला, ये रहा शबी शाह का फोटो, ये है मेरा बेटा, मुझे मालूम है अब तुम इसे भी यहाँ नहीं छोड़ोगे, ले जाओगे अपने साथ, अखबारों में छपवाओगे, टीवी पर दिखवाओगे, लोगों को सावधान करोगे, कहोगे ये है शबीर शाह, खूंखार आतंकवादी, लोग इससे सावधान रहें, हत्या करने का जुनून सवार होता है इस पर, मुमकिन है कोई भारी भरकम इनाम भी रख डालो, मगर वह किसी के हाथ नहीं आने वाला। उस वक्त तक मेरे बेटे को कोई नहीं पकड़ सकता जब तक यह अपने परिवार के हत्यारों को मौत के घाट नहीं उतार चुकता। विजय ने फोटो देखा, उसकी आंखों का फोकस फोटो की आंखों पर केंद्रित था और केवल आधे मिनट बाद फोटो के पीछे छिपा विकास उसे साफ साफ नज़र आने लगा। होठ यूं सुकड़ गए थे मानो वह अभी सीटी बजा उठेगा, मगर ऐसा किया नहीं उसने। उठकर खड़ा होता हुआ बोला, राम प्रकाश जी, आपको मेरे साथ चलना होगा। राम प्रकाश ने गुलफाम की तरफ देखा, वही हो रहा था, अक्षरश वही जो विकास ने पहले ही बता दिया था कि होगा। फर्क बस इतना था, उसने कहा था ऐसा पुलिस करेगी, यहाँ विजय कर रहा था। विकास ने राम प्रकाश को पहले ही समझा दिया था, जब आप यह सब कहेंगे तो पुलिस आपको गिरफ्तार कर लेगी, अपने साथ ले जाएगी, मेरा पता जानने के लिए आपको टॉर्चर भी किया जा सकता है, मगर जब आपको पता ही कुछ नहीं होगा तो बता भी क्या सकेंगे। सो जब पुलिस को पता लगेगा आप उसके किसी काम के नहीं हैं तो आपको छोड़ दिया जाएगा। गुलफाम ने राम प्रकाश की नज़रों का आशय समझकर कहा, ये पुलिस वाले हैं तो मैं क्या डरता हूँ इनसे। राम प्रकाश पुनः कहता चला गया, क्या करेंगे मेरा, मैंने तो कुछ किया नहीं है, जिसने किया है उसका पता पूछेंगे, बेवकूफ़, भला अब क्या पता मुझे वह कहाँ है। वह तो यह कहकर गया था कि अब वह जीवन में मुझसे कभी नहीं मिलेगा। चलो ले चलो मुझे, कहाँ ले चलोगे। वे मकान से बाहर निकल आए, सारा मोहल्ला अपने अपने घरों के दरवाजे पर खड़ा था। गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर विजय ने राम प्रकाश को पिछली सीट पर बैठाया, उसके बाद गुलफाम से कहा, तुम भी बैठो प्यारे,
मैं गुलफाम हकला गया। मैं क्यों मास्टर? बैठो तो सही मियाँ, तुम्हारे सामने ही पूछताछ करनी पड़ेगी राम प्रकाश जी से। गाड़ी में बैठते वक्त गुलफाम ने बस यही सोचा, ऐसा तो नहीं कहा था विकास ने, गिरफ्तारी की बात तो बस उसने राम प्रकाश के लिए कही थी। उस वक्त गुलफाम को और भी बुरी तरह चौंक जाना पड़ा जब विजय ने शबीर से कहा, तुम भी बैठो। पाक साहब, शबीर का चेहरा तो पलक झपकते ही फक पड़ गया। गुलफाम ने कहा, इसे क्यों बैठा रहे हो मास्टर? अभी तो हमें तुम्हारे बहुत से सवालों के जवाब देने हैं। सबके जवाब एक साथ वहीं पहुँच कर देंगे जहाँ चल रहे हैं। एक एक शब्द को चबाते विजय ने शबीर से इस बार थोड़े कड़े लहजे में कहा, बैठो। बेचारा शबीर, टांगे कांप रही थी उसकी, न गाड़ी में बैठते बन पड़ रहा था न वहाँ से भागते। सवालिया नज़रों से वह गुलफाम की तरफ देखता भर रहा। गुलफाम ने जब बैठने का इशारा किया तो उसे भी गाड़ी में बैठना ही पड़ा। यह एहसास तो गुलफाम को भी हो गया था कि मामला विकास की सोचों से कुछ ज़्यादा ही आगे निकल गया है। काले खां की सराय में विकास ने 5 दिन गुजारे थे। विस्तार पूर्वक जानने के लिए पड़े एक थप्पड़ हिंदुस्तानी। वह सराय के अंदर की ही नहीं बाहर की भी भौगोलिक स्थिति से अच्छी तरह वाकिफ था। इस बात का भी उसे पूरा अंदेशा था कि विजय गुरु की कोई न कोई आंख सराय की निगरानी जरूर कर रही होगी। खैर, अपना अंदेशा उसने दुरुस्त ही पाया। उस वक्त रात के 10 बज रहे थे जब विकास ने एक सकरी गली के मोड़ से उस मेन रोड पर जाकर देखा जिस पर सराय का मुख्य द्वार था। सन्नाटा पसरा पड़ा था, सभी दुकानें बंद थी। स्ट्रीट लाइट के कारण भरपूर प्रकाश था वहाँ। विकास की मंशा कम से कम मुख्य द्वार के माध्यम से सराय में जाने की बिल्कुल नहीं थी। इस सड़क को तो वह केवल यह जानने के लिए चेक करना चाहता था कि विजय गुरु की कौन सी आँख किस रूप में सराय पर नज़र रखे हुए है। उसकी नज़र सराय के गेट के ठीक सामने सड़क के पार एक खंभे से सटे खोखे पर स्थिर हो गई। लकड़ी का बना वह खोखा देखने में भले ही पुराना लगता हो, बहुत पुराना नहीं था। यह बात विकास इसलिए भी जानता था क्योंकि वह तब तक यहाँ नहीं था जब वह पुलिस की रेड पड़ने पर यहाँ से फरार हुआ था। जाहिर है खोखा उस घटना के बाद ही यहाँ स्थापित किया गया, चीज नई थी, इसलिए विकास का ध्यान उस पर केंद्रित होना स्वाभाविक था। खोखे के बाहर निकले तख्ते पर एक शख्स लेटा हुआ था, कंबल ओढ़ रखा था उसने। हालांकि वह खंभे पर लगी ट्यूब के ठीक नीचे लेटा हुआ था, परंतु जहां विकास था वहां से उसे केवल एक साय के रूप में ही देखा जा सकता था। हालांकि अभी तक विकास को इस बात का कोई सबूत नहीं मिला था कि विजय गुरु की आँख यही है। बावजूद इसके उसे शक हो गया। शक का कारण था खोखे की ताजी स्थापना। कुछ देर विकास सोचता रहा पुष्टि कैसे की जाए, फिर एकाएक वह सड़क पर आ गया। कुछ इस तरह लड़खड़ाता हुआ खोखे की तरफ बढ़ा जैसे अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा पिए हुए हो। खोखे तक पहुँचते पहुँचते वह जेब से एक बीड़ी निकालकर दांतों के बीच दबा चुका था। खोखे के बाहर तख्ते पर लेटे शख्स के नज़दीक पहुँचा। शख्स का मुंह कंबल के अंदर था। विकास ने उसे झुंझोड़ा, कौन है? वह हड़बड़ाकर उठा और विकास को पलक झपकते ही पता लग गया कि विजय गुरु की आँख यही है।
भला अशरफ की आवाज़ पहचानने में वह भूल कैसे कर सकता था। वह अशरफ ही था, भारतीय सीक्रेट सर्विस के सीनियर जासूसों में से एक। और विकास जानता था उसके सामने की गई उसकी हल्की सी चूक उसे हमेशा के लिए चुंगल में फंसा देगी। सो आवाज़ बदलकर थर्ड क्लास शराबी के मानी लड़खड़ाते लहजे में बोला, माचिस है? नहीं है, अशरफ ने जलाए हुए स्वर में कहा। अब विकास ने उससे ज़्यादा उलझना ठीक नहीं समझा। जानता था ज़्यादा मौका मिलने पर अशरफ उसे पहचान सकता है। अतः लड़खड़ाते कदमों से आगे बढ़ता बड़बड़ाया, पता नहीं कैसे कैसे लोग होते हैं, साले बीड़ी ही नहीं पीते। वह आगे निकल जाना चाहता था, परंतु ए कहने के साथ अशरफ ने पीछे से उसका कॉलर पकड़ा और अपनी तरफ खींचता हुआ गुर्राया, तू पीता है बीड़ी, देख नहीं रहा? विकास ने उसे शराबी वाले अंदाज में अपने दांतों के बीच दबी बीड़ी दिखाई। अशरफ गुर्राया, और माचिस के लिए सोते हुए लोगों को परेशान करता है? तू सो रहा था यार, सॉरी, सॉरी के बच्चे, जानता नहीं बीड़ी पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है? कहने के साथ बनाए हुए अशरफ ने उसके जबड़े पर जो घूसा मारा वह इतना शक्तिशाली था कि आसमान के तारे उसकी आंखों के सामने उतर आए। मुंह से चीख निकली, बीड़ी कहीं, वह कहीं। जमीन से करीब 2 फुट उछलकर वह हवा में लहराने के बाद दाढ़ से जाकर सड़क पर गिरा। इच्छा तो हुई उसकी कि एक ही जंप में वापस खड़ा हो जाए। अशरफ के गुस्से के जवाब में एक गुस्सा वह भी उसके जबड़े पर जड़ दी। ऐसा कर भी सकता था वह, मगर ऐसा करने का मतलब था अशरफ को यह बता देना कि वह बेवड़ा नहीं है। और यह बात समझ में आते ही अशरफ को यह समझने में भी देर लगने वाली नहीं थी कि वह विकास भी हो सकता है। अतः जो मन में आया था उसका बिल्कुल उल्टा किया। सड़क पर पड़े ही पड़े झपटकर अशरफ के पैर पकड़ लिए उसने, गिड़गिड़ाया, माफ़ कर दो, माफ़ कर दो जी, गलती हो गई, माफ़ कर दो, अब कभी किसी शरीफ आदमी से माचिस नहीं मांगूंगा, चल भाग यहाँ से। कहने के साथ अशरफ ने एक ठोकर उसकी छाती पर मारी। हल्के से चीख निकालता हुआ विकास सड़क पर दूर तक लुढ़कता चला गया और फिर उठा तो विपरीत दिशा में दौड़ लिया। दौड़ते वक्त भी अपने कदमों की लड़खड़ाहट को उसने बरकरार रखा था ताकि अशरफ यह न ताड़ सके कि वह पिए हुए नहीं था। गुद्दी पर फिट उसकी तीसरी आंख अभी भी देख रही थी कि अशरफ उसी को घूर रहा था। अपने कदमों की लड़खड़ाहट को उसने एक मोड़ घूमने के बाद अलविदा कहा। एक दुकान के बाहर निकले पटरे पर बैठ गया वह, सोचने लगा तो मेरा शक ठीक निकला। सराय की निगरानी विजय गुरु की अशरफ नामक आंख कर रही है, मगर सराय के अंदर पहुंचना तो था ही उसे। सो कुछ देर वहीं बैठा खुद को व्यवस्थित करता रहा। व्यवस्थित होने के बाद उठा, एक लंबा चक्कर काट कर सराय के पिछले हिस्से में पहुंचा। बेहद सकरी गली थी वह, सराय की सर्विस लेन कहा जाए तो ज़्यादा मुनासिब होगा। बंदर की तरह एक रेन वाटर पाइप पर चढ़ता हुआ वह सराय की छत पर पहुंच गया। छत से सेकंड फ्लोर की बालकनी में और बालकनी से गैलरी में मुकम्मल सराय सन्नाटे में डूबी हुई थी। जल्दी ही उसने यह जान लिया कि कम से कम सेकंड फ्लोर पर कोई कमरा आबाद नहीं है। संतुष्ट होने के बाद
दबे पांव सीढ़ियां तय की और ग्राउंड फ्लोर पर आ गया। वहां भी उसे ऐसा नहीं लगा जैसे किसी कमरे में कोई यात्री ठहरा हुआ है। गैलरी में केवल 60 वाट का एक बल्ब अपनी क्षमता अनुसार अंधेरे के पंजे से पंजा लड़ाए हुए था। उसी के भूते पर विकास किचन की तरफ बढ़ा। कारण था किचन से आ रही आवाज़ें। एकमात्र वही दिशा थी जहाँ से कुछ आवाज़ें आ रही थी और वे आवाज़ें बर्तनों की उठा पटक की थी। विकास समझ गया शांता किचन में मस्त है। वह किचन के दरवाजे के नज़दीक पहुँचा ही था कि शांता किसी काम से बाहर निकली। बाहर निकलते ही उसकी नज़र एक मुस्लिम युवक पर पड़ी। मुंह चीख पड़ने के लिए खुला और इससे पहले कि हलक से उपजी चीख मुंह की सीमा लांग सकती, विकास कोरिले की तरह झपटा। अगले ही पल उसका हाथ शांता के मुंह पर था। मुंह मानो कुकर था, हाथ उसका ढक्कन। चीख छोटी छोटी सीटियों की सी आवाज़ में तब्दील होकर रह गई। शांता उसके बंधनों से निकलने के प्रयास में यूं फड़फड़ा रही थी जैसे बाज के चुंगल में फंसी कबूतरी फड़फड़ाया करती है। फटी फटी आँखों से खौफ की वर्षा हो रही थी। फड़फड़ाना बंद करो आंटी, विकास ने अपनी वास्तविक आवाज़ में कहा। ये मैं हूँ। पलक झपकते ही शांता की आंखों में खौफ की जगह आश्चर्य के भाव उभर आए। विकास ने अपना हाथ उसके मुंह से हटा लिया। बावजूद इसके वह अपने मुंह से कोई आवाज़ न निकाल सकी। होठ फाड़े विकास की तरफ इस अंदाज में देखती रही जैसे मिस्र के पिरामिडों को देख रही हो। वह विकास ही था जिसने सवाल किया, वे तीनों कहाँ हैं? तहखाने में? वह बड़ी मुश्किल से फुसफुसा पाई, तुमने अपना यह क्या हाल बना रखा है? क्यों, हाल से क्या मतलब है तुम्हारा? मैं तो तुम्हें पहचानती ही नहीं। वास्तविक आवाज़ में न बोलते तो पहचान भी नहीं सकती थी। ओह, विकास के होठों पर बराबर सी मुस्कान उभर आई। आपका मतलब मेरे मेकअप से है? इस मेकअप में असल में मैं विकास नहीं, शबीर शाह हूँ। कौन शबीर शाह? इसका मतलब तुमने टीवी नहीं देखा, जिम कार्बेट और माइकल आर्मस्ट्रांग के मर्डर की खबर नहीं सुनी? टीवी भी उन हराम के बच्चों ने तहखाने में मंगा लिया है। इसका मतलब उन्होंने शबीर शाह का नाम जरूर सुन लिया होगा। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा, तुम क्या कह रहे हो? कौन जिम और माइकल? किसने और क्यों मारा? कहानी लंबी है आंटी, उससे उलझने की कोशिश मत करो, उसकी बात काट कर विकास कहता चला गया। बस यूं समझो कि उन्हें अपने जाल में फंसने के लिए मैंने एक खेल खेला है और उस खेल में आपको मेरी मदद करनी है। तेरी मदद करने के लिए तो मैं मरी जा रही हूँ गधे, मगर सबसे पहले यह बता, अपनी आंटी की सराय में चोरों की तरह क्यों आया? मैंने आपसे कहा ही था, विजय गुरु बहुत ऊंची चीज है, उनकी कोई न कोई आँख सराय की निगरानी जरूर कर रही होगी। वही हुआ, सराय के बाहर उनकी अशरफ नामक आँख तैनात है, उन्हें चकमा देने के खातिर चोरों की तरह आना पड़ा। पहलिया मत बुझाओ, जो बात है साफ साफ बता। विकास ने अशरफ के बारे में सब कुछ बता दिया, यह भी कि वह उसे किस तरह चकमा देकर आया है। पूरी बात समझने के बाद शांता ने पूछा, अब क्या चाहता है? लियाकत, सनवर और असकर से मिलना, मगर यह काम इस तरह होना चाहिए
कि उन्हें स्वप्न में भी यह गुमान न हो पाए कि आप और मैं मिले हुए हैं। ऐसा कैसे होगा? विकास उसे आगे का प्लान समझाने लगा। टीवी पर जली हुई BMW, उसके अंदर मौजूद जिम कार्बेट और माइकल आर्मस्ट्रांग की अजली लाशें, उन्हें बाहर निकालते कमांडोज और सुरक्षा कर्मी, लोगों की भीड़, हंगामा, बार बार यही सब दिखाया जा रहा था और बताया जा रहा था कि वह हादसा कैसे हुआ, करने वाला कौन था। सनवर, असगर और लियाकत बार बार दिखाए जा रहे उन दृश्यों को अभी भी इस तरह देख रहे थे जैसे पहली बार दिखाए जा रहे हों। सारा विवरण यूं सुन रहे थे जैसे पहली बार सुनाया जा रहा हो। टीवी उन्होंने तहखाने में ही मंगवा लिया था। शांता ने इस बात के भी पैसे झटक लिए थे। कमाल का लड़का निकला यारे, टीवी पर आंख गड़ाए लियाकत कह उठा, एक दिन पहले धमकी दी और अगले दिन राजदूत और उसके ड्राइवर को मार भी गिराया, वो भी बीच सड़क पर खास सुरक्षा व्यवस्था के बीच। असगर ने टिप्पणी की, आगे कमांडोज की एक गाड़ी थी, पीछे दूसरी, उन्हें पता तक नहीं लग पाया और वह अपना काम करके फरार भी हो गया। मुझे लगता है उसने यह सारा काम पूरी प्लानिंग बनाकर किया। राजदूत और उसके ड्राइवर को जानबूझकर गोली तब मारी जब गाड़ी नदी के पुल से गुजर रही थी ताकि वह दरवाज़ा खोलकर नदी में कूद सके। पर सवाल ये है, सबकी नज़रों से बचकर वह उनकी गाड़ी में कैसे पहुंच गया? सवाल सनवर ने उठाया। जवाब किसी के पास नहीं था इसलिए सब शांत ही रहे। एकाएक टीवी पर रजनी शर्मा नजर आई। उसने कहा, सारा देश बल्कि शायद सारा संसार यह जानना चाहता है कि इस खौफनाक हादसे को अंजाम देने वाला दिखने में कैसा लगता होगा। अभी तक किसी के पास शबीर शाह नाम के इस आतंकवादी की कोई तस्वीर नहीं थी। सुरक्षा बलों ने बड़ी मेहनत से उसकी एक तस्वीर खोज निकाली है। एक बार फिर आज तक सबसे आगे है क्योंकि हम सबसे पहले इस तस्वीर को आपके लिए लेकर आए हैं। ये देखिए, ये है शबीर शाह। रजनी शर्मा स्क्रीन से गायब हो गई और वहाँ नज़र आने लगा एक फ़ोटो, वही फ़ोटो जो विजय ने राम प्रकाश के घर से बरामद किया था। स्क्रीन पर फोटो था और बैकग्राउंड से गूंज रही थी रजनी शर्मा की आवाज़, ये है खूंखार आतंकवादी शबीर शाह का एकमात्र उपलब्ध फोटो। आप सावधान और चौकस रहे, यह शख्स अगर कहीं भी किसी को भी नज़र आए तो फौरन 100 नंबर पर डायल करके सूचना दे। ऐसा करके आप देश की बहुत बड़ी सेवा कर सकते हैं। एक बार फिर गौर से देख लीजिए इसे। इसी ने अमेरिका के राजदूत और ड्राइवर की हत्या की है। स्क्रीन से फोटो गायब हुआ। रजनी शर्मा पुनः नज़र आने लगी। अब वह रूटीन समाचार पढ़ रही थी। सनवर, लियाकत और असगर की वे आंखें अब स्क्रीन से हट गई थी जो कुछ देर पहले तक वहां नज़र आ रहे शबीर शाह के फोटो को ऐसे देख रहे थे जैसे क्रिकेट में आगे कदम बढ़ा रहे लड़के सचिन को बैटिंग करते देखते हैं। असगर ने तो दिल की बात कह भी थी, कमाल करके दिखा दिया इस लड़के ने। जवाब में अभी कोई और कुछ कह भी नहीं पाया था कि वातावरण में तहखाने का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ गूंजी। उन्होंने पलटकर देखा, एक हाथ में टिफिन, दूसरे में पानी से भरा जग लिए शांता सीढ़ियां उतरती नज़र आई ही थी
कि अगले पल अचानक जैसे बिजली कूदी हो उन्होंने एक बूट की ठोकर शांता की पीठ पर लगती देखी। हलक से चीख निकालती हुई शांता फर्श पर आ गिरी। टिफिन कहीं, पानी का जग कहीं, टिफिन खुल गया, खाना बिखर गया। पानी के छींटे तो उछलकर उन तक आए थे। वे हड़बड़ाए, अपनी तरफ से पूरी फुर्ती के साथ हथियारों की तरफ लपके, मगर यकीनन वह शख्स उनसे कहीं ज़्यादा फुर्तीला था, जिसका जिस्म एक क्षण, बस एक क्षण के लिए सीढ़ियों की तरफ से हवा में कलाबाजियां खाता नजर आया। अगले ही पल वह उनके सामने खड़ा घुर्रा रहा था। जो हिला वह गया। एक साथ तीनों जहां के तहां जाम हो गए। उसके दोनों हाथों में रिवाल्वर थे। बगैर एक भी पल गवाए उसने पलटकर जमीन पर पड़ी करा रही शांता से कहा, खड़ी हो? उई, मेरी कमर की तो शायद हड्डी ही। खड़ी हो वरना गोली मार दूंगा। वह उसका वाक्य काटकर गुर्राया। पलक झपकते ही उछलकर खड़ी हो गई शांता, जैसे टूटी हुई हड्डी जादू के जोर से जुड़ गई हो। इधर आ, उसने अपने बाएं हाथ में दबे रिवाल्वर से इशारा किया, इनके साथ खड़ी हो जा। शांता ने अपने चेहरे पर हवाइयां उड़ाते हुए उसके आदेश का पालन किया। ये तो वही, सनवर के मुंह से निकला। लियाकत ने कहा, बिल्कुल वही, ज़्यादा होशियार बनने की कोशिश की तो यहीं ढेर कर दूंगा। हाथ ऊपर उठा लो। उसकी आँखें अग्नि वर्षा कर रही थी। हाथ ऊपर उठाता हुआ असगर बोला, तुम शबीर शाह हो ना? आंखें गोल हो गई लड़के की, गुर्राया, कैसे जानते हो? वही क्षण था जब एक बार फिर स्क्रीन पर उसकी फोटो नजर आने लगी। लो, लियाकत ने कहा, सुन लो, अब यह सब बार बार बताया जाएगा। वो जमाने लद गए जब लोग कहा करते थे, रेडियो केवल एक ही बार बोलता है। सचमुच रजनी शर्मा की आवाज़ में वही सब कहा जाने लगा जो कुछ देर पहले कहा गया था। विकास ने उस सबको बहुत ध्यान से सुना, खत्म होने पर बड़बड़ाया, बहुत हरामजादे हैं साले, काफ़ी जल्दी मेरे फोटो तक पहुंच गए। मगर अब शबीर शाह को पकड़ना आदमखोर शेर को पकड़ने जितना मुश्किल होगा, इसमें कोई शक नहीं शबीर भाई, असगर ने कहा। तुमने तो वो कमाल करके दिखाया है कि खामोश, विकास दहाड़ा। असगर सहम कर चुप हो गया। कौन हो तुम लोग? लड़के के हलक से हिंसक पशु जैसी गुर्राहट निकली, और यहाँ क्या कर रहे हो? एक ही लाइन के हो तुम सब, एक ही लाइन के हो भैया, मौका मिलते ही, शांता ने कहा। आपस में झगड़ा मत करना, यहाँ गोली वोली चली तो आवाज़ बाहर चली जाएगी। मेरी सराय का लाइसेंस फौरन रद्द। तुम चोच बंद करती हो या उड़ा दूँ भेजा? विकास कुर्राया। शांता ने मुंह बंद कर लिया। बुरी तरह डरी हुई नज़र आ रही थी वह। इधर उधर गर्दिश करती विकास की नज़रें उनके हथियारों पर पड़ी। आंखें खास अंदाज में चमकने लगी। बोला, ओह, घने तो काफ़ी उम्दा मालूम पड़ती है, पर तुम पर ये कैसे? कौन हो तुम लोग? तुम्हारे ही भाई हैं शबीर मियाँ, रिश्ता जोड़ने की कोशिश मत करो। लियाकत की बात काटकर विकास एक बार फिर गुर्राया, नाम बताओ अपना। तब आगे बढ़कर असगर ने अपना ही नहीं, लियाकत और सनवर का भी नाम बताया। कहा, रिश्ता इसलिए जोड़ रहे थे ताकि समझ जाओ तुम्हें हम पर रिवाल्वर तानने की जरूरत नहीं है, तुम्हें हमसे और हमें तुमसे कोई खतरा नहीं हो सकता,
और ये, उसने शांता की तरफ इशारा किया, इस सराय की मालकिन है, हमारी खिदमतगार। घबराने की कोई जरूरत नहीं है, पैसे के लिए यह सब कुछ करती है। एक बार फिर शांता मौका लगते ही बोली, तुमने देखा ही होगा, मैं इनके लिए खाना लेकर आ रही थी। उसकी बात पर जरा भी ध्यान दिए बगैर विकास ने असगर से पूछा, कौन से ग्रुप से ताल्लुक रखते हो? अलकायदा से। यहाँ क्यों छुपे पड़े हो? अपने सुप्रीमो के हुक्म पर किसी बड़ी वारदात के चक्कर में है, जैसे प्लेन हाईजेक, सनवर ने कहा। विकास ने कुछ कहा नहीं, केवल घूरता रहा सनवर को, जैसे तोल रहा हो कि उनमें कितना दम है। फिर कह ही दिया, हौसला भी है प्लेन हाईजेक करने का? हौसला तो बहुत है, बस कोई प्लान ही नहीं सूझा अभी तक। मैं भी तुम्हारी तरह हीरो बनना चाहता हूँ भाईजान, मैं भी चाहता हूँ जिस तरह तुम्हारा फोटो टीवी पर दिखाया गया है, एक दिन मेरा भी दिखाया जाए। कुछ देर विकास उन्हें घूरता रहा, ऐसी मुद्रा बनाए रखी जैसे कुछ सोच रहा हो, फिर नर्म लहजे में बोला, हाथ नीचे कर लो। तभी हॉल में पिक पिक की आवाज़ गूंजने लगी। ठहरो, हैंड्स अप, एक बार फिर गुर्राया विकास। उसकी नज़रें एक बैग पर स्थिर हो गई। पिक पिक की आवाज़ उसी के अंदर से आ रही थी। विकास आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ बढ़ा, लियाकत बोला, ट्रांसमीटर है, हमारे सुप्रीमो हमसे बात करना चाहते हैं। विकास लपक कर बैग के नज़दीक पहुंचा, फिर असगर से कहा, इसे बाहर निकालो। असगर दौड़कर उसके नज़दीक आया, बैग से लैपटॉप निकाला। आज की कहानी यहीं तक। कहानी का अगला भाग अगले अंक में।